स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं मुकेश चंद्रा आपका अपने चैनल LEC पे स्वागत करता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था PMMC का। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर का जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से चालू करेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करा के आपको उस टॉपिक तक ले जाएंगे। आज हमारा PMMC का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग खींच रहा है। पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर एग्जाम होता है लॉन्ग आता नहीं है, लेकिन क्या करें, इतनी अब पूरा जब तक समझाना नहीं तब तक कैसे इन कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो हमारा कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कल जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसका जो हमारा ये डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस हमारा डी है, और उसका हाफ जो डिस्टेंस है वो हमारा D/2 है, और इसका हाफ डिस्टेंस D/2 है। और हमारे यहाँ डिफ्लेक्टिंग तार के बारे में, विक्षेपक बल आघूर्ण TD जो हमारा यहाँ पे है, विक्षेपक बल आघूर्ण इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर होता है फोर्स अपान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा F और इसके फोर्स एक इसके साथ जो फोर्स लगेगा उसके साथ हमारा D/2 डिस्टेंस यहाँ पे है, और इसके साथ जो फोर्स लगेगा उसके साथ D/2 डिस्टेंस है, और दोनों को अगर हम उसको गुणा करेंगे तो हमारा D आ जाएगा, F×D। F का हमारा जो फार्मूला होता है आप पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में, फोर्स बराबर F बराबर BIL, तो वो हमारे यहाँ पे पुट कर दिए हैं BIL और D हमारा यहाँ पे। और आप लोग जानते होंगे कि लॉरेंस फोर्स का जो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो हमारा ये है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिमें ये हमारा कोई कोर है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका हमारा L×D रेक्टेंगुलर जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा L×D है। तो हमारा L×D का हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया को हम कैपिटल A से यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा BI जो बचा था उसके साथ हमारा A आ जाएगा क्योंकि एरिया है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, B×I×A हो गया TD बराबर। अब हम ये हमारा सिंगल टर्म के लिए है, किसके लिए है, नंबर ऑफ सिंगल टर्म ने कि आप बढ़िया से लिख देते ताकि आप लोग नोट करेंगे अच्छे से। जो हमारा ये TD है, नंबर ऑफ सिंगल टर्म, नंबर ऑफ सिंगल टर्म के लिए है। तो हमें क्या पता करना है, अब तो एक रहेगा नहीं, इन नंबर ऑफ सिंगल टर्म रहेंगे इसमें, जो हमारे इस पर टर्न था वन था कॉपर वायर से, उसमें नंबर एन नंबर ऑफ टर्न रहेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एन लेते हैं नंबर ऑफ टर्न। प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग एन नंबर ऑफ टर्न, प्रैक्टिकली हम एन नंबर ऑफ टर्न यूज करेंगे, तो हमारा TD के साथ BIA जो है उसका NBIA हमारा जुड़ जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसे नोट करिए, और यहाँ पे और चलिए आप पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं आप। यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। BIL×D, L हमारा D हो जाएगा एरिया, ठीक। L हमारा जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन L×D हो जाएगा, जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। अब जो हमारा TD है विक्षेपक बल आघूर्ण, उसके बाद में BIL×D, तो यहाँ A आ गया तो BIA हो गया। अब ये सिंगल टर्न के लिए, नंबर ऑफ सिंगल टर्न के लिए, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल एक नंबर होगा नहीं, किसी भी आप अगर PMMC इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे थे उस पर एक टर्न नहीं होगा, एन नंबर ऑफ टर्न होंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पे TD जो है विक्षेपक बल आघूर्ण को
एन बी आई ए इंटू ए एन, यहाँ पे नंबर भी हमारे यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स रहता है। कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसमें पहले से ही बना आएगा नंबर ऑफ टर्न, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं कोई। उसी तरह हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी हमारा फिक्स रहेगा, ये भी हमारा फिक्स है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा वो फिक्स है कितना ही जाएगा। और यहाँ पे करंट बस वायरिंग है, अब एरिया भी हमारा किस चीज़ का अगर बना रहे हैं, मान लीजिए ये बन गया चौक मार्कर, तो इसका पूरा एरिया फिक्स है पहले से। उसी प्रकार किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम बना रहे हैं तो इसका एरिया पहले से फिक्स होता है, तो ये भी हमारा फिक्स है। अब यहाँ तक अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, ऊपर का रफ कर देता हूँ। जैसे हम लोग नीचे यहाँ पर साफ में लिख रहा था, यहाँ बनाते हैं बढ़िया से। टी डी बराबर एन बी आई ए, ये साफ दिख रहा होगा, ये हमारा फिक्स है। एन कितने नंबर हैं, कितने बाइंडिंग, इसको नंबर टर्न किया गया है। फ्लक्स भी, जो नंबर ऑफ फ्लक्स वो भी फिक्स रहेंगे, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी फिक्स रहेगा। ये हमारा वेरिएबल रहेगा, कितना करंट वो तो सप्लाई पे डिपेंड करता है, हमारा क्या मेजर करना है उस पर डिपेंड करता है। और जो हमारे ए है, एरिया भी फिक्स है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि विक्षेपक बल आपूर्त जो है टी डी थोड़ा आप लोग, मैं थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे पर आप पढ़ लेंगे तो बहुत आगे काम आएगा, फिर कहीं जी भी एग्जाम दें जाए तो उसमें भी थोड़ा काम आ जाएगा। टी डी के प्रोपोर्शनल होगा आई, कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप जितना जो है आई बढ़ाएंगे, जितना करंट बढ़ाएंगे उतना डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है विक्षेपक बल आगू विक्षेपक बल आगू इंक्रीज होगा। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिक्स है। आइए आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कौन फिक्स है, पूरा बढ़िया से बताया हमने, ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिक्स है ये। इसमें एन फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स फिक्स है बी, और बी जो हमारा जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो भी फिक्स है, वही फ्लक्स भी कह सकते हैं। और हमारा जो एरिया है वो करंट है वो वेरिएबल है, क्योंकि करंट कभी भी चेंज हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग करंट भी लेते हैं। एरिया भी हमारा फिक्स है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है टी डी हमारा आई के प्रोपोर्शनल है। आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए आप लोग आई क्या है, ये भी आप लोग पता रहना चाहिए, बी क्या है और ए क्या है और एन क्या है। एन हमारा है नंबर ऑफ टर्न, ए है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये है ऑपरेटिंग करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसे आप लोग ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग है तो आप इसे यही लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ये तो कह ही सकते हैं लेकिन आप अच्छा थोड़ा रहेगा आप इसे लिख लेंगे तो।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अब बाद में आप लोग नोट्स में अपना अपना उसे रीअसेंबल कर सकते हैं। और हो गया हो तो आप जो है बढ़िया से नोट कर लीजिए, प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, नोट करिए आप लोग। नोट हो गया आगा रफ भी मैं कर दिया हूँ यहाँ पे। अब आइए हम बंद अपने चित्र पे आते हैं। मतलब चित्र था, फिगर था, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा सिलेंड्रिकल था, इस पर हमारा माउंटेन था, ये हमारा रेक्टेंगुलर, और इस पर हम स्प्रिंग लगा। अब अभी बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में, इससे पहले हम इस पर हम बात कर लेते हैं। जहाँ जब हम इस पर डीसी करंट देंगे तो क्या होगा, एक लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग एक इधर फोर्स लगेगा एफ आउट, इधर वर्क करेगा जो हमारे प्रीवियस जो हम फिगर उधर बनाए थे पहले लेक्चर में, वहाँ पे दिखाए थे कि कैसे हमारा वो जो है फोर्स कार्य करता है दो नंबर पे और चार नंबर पे, आप लोगों को याद होगा। ठीक, मैं यहाँ पे आपको बता भी सकता हूँ, थोड़ा सा बता ही देता हूँ आप लोगों को ताकि रिमाइंड हो जाए, आप लोगों को बताया होगा मैं इसी प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे करंट दे रहे थे, तो यहाँ पे जो करंट जा रही थी एक इधर से आ रही थी, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड से रूल से हम लोग निकाले थे, ये चार नंबर था, ये दो नंबर था, रिकॉल हो गया होगा यहाँ से कैसे हमारा निकला था। तो ये एफ आउट लॉरेंट लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इन, ठीक। तो हम इसमें अगर करंट सोर्स दे रहे हैं तो इक्वल इन अपोजिट टार्क लगेगा, क्या लगेगा, इक्वल इन अपोजिट टार्क, करंट जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स वर्क करेगा, उतना ही हमारा ये मूव करेगा, उतना ही डेविएशन, उतना ही मूवमेंट आएगा इस पर, इतना मूवमेंट आएगा तो हमारा जो इस ये हमारा मैग्नेट है वो उतना ही ऊपर जाएगा, ये क्योंकि इक्वल और अपोजिट टार्क दोनों लग रहा है तो हम यहाँ जरूर कुछ मूवमेंट आएगा। अब यहीं पे हम लोग एक पॉइंटर लगा देते हैं, वेरी लाइट वेट पॉइंटर का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का होता है, इसको मैं नोट्स में लिखवाऊंगा आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम स्केल बना देते हैं, ये स्केल बना दिए, ये हमारा जीरो, ये जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ऐसे एनसवान अपना जितना होगा बल्ला है तो जितना मूव करेगा ये भी मूव करेगा। तो हमें यहाँ पे बनाना क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ना कि कोई मोटर बनाना है। अगर ये हम इसे कंटिन्यूस करंट देते रहें तो ये ऐसा समय आएगा पूरा घूम जाएगा, हमें घुमाना नहीं है, हमें क्या बनाना है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, तो हम इसे रोकना होगा, इससे ज़्यादा जाएगा तो मोटर घूम जाएगा, एक स्केल दिया है जो इससे ज़्यादा भी है तो हमारा मोटर इसे कार्य करने लगेगा, इसको हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए कोई यंत्र या किसी प्रकार की हमारा और बल लगाना पड़ेगा अलग से, इसको मतलब कंट्रोलिंग के लिए इसको कंट्रोलिंग टार्क की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे स्पायरल स्प्रिंग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे स्प्रिंग का, क्या क्या यूज है आगे मैं लिखवाऊंगा नोट्स में, वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे स्प्रिंग लगाएंगे, ये ब्रांच ये बनी होती है और यहाँ पे स्प्रिंग, इसी से हम लोग करंट को इंजेक्ट कराते हैं, एक से इंजेक्ट कराएंगे एक से आउट करवाएंगे। ठीक, और ये क्या करेगा हमारे जितना अगर इधर से जितना जाएगा उतना हमारे को रिस्टोर करता जाएगा, उतना ही फोर्स को रिस्टोर करेगा, अब जितना ही दबेगा उतना फोर्स को अपना इधर कंपनसेट करेगा, कंपनसेट करेगा। और कभी भी इन केस अगर इससे बाहर नहीं जा पाए क्योंकि कंट्रोलिंग टार्क यहाँ लग चुका है, ठीक, तो अब हम यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क लग चुका है, अगर अगला हमारा क्या हेडिंग होगा, कंट्रोलिंग टार्क, जब तक नहीं कंट्रोलिंग टार्क पढ़ेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा कैसे वर्क करता है, और स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस फिगर पे आएंगे तब पूरा हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। अभी मैं आपको बता दूँ कैसे वर्क करता है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे,
कि कहाँ से कैसे स्प्रिंग लग गया, किस मटेरियल का बना है, इसका कार्य क्या है, और तमाम चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बता दूं आप कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे एक पॉइंट्स लिखवाता हूँ, नोट्स है जो कि आपको एग्ज़ाम में भी देखने आ जाएगा, मिल सकता है स्प्रिंग के बारे में और हमारे फोर्स के बारे में इसमें मिल जाएगा। आपको लिखवा रहा हूँ, अगले नोट्स आप लोग डालिए, नोट्स नंबर एक डालिए, आप लोग नोट्स डालिए, लिखवा रहा हूँ आप लोगों को मैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, आप लोग स्प्रिंग डालिए या कंट्रोलिंग टार्क, सॉरी कंट्रोलिंग टार्क डालिए आप लोग, कंट्रोलिंग टार्क। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कंट्रोलिंग टार्क के बारे में। तो जहाँ जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, उसी के बारे में नोट्स डलवाया था मैं, जो आप इसे नोट कर लीजिए। पहला नोट ये है, दूसरा नोट्स है, दिस टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फर ब्रांच, दूसरा नोट से स्प्रिंग के बारे में और ये कंट्रोलिंग, सॉरी कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में अब लिख लीजिए। अगला हमारा नोट्स होगा स्प्रिंग के बारे में, हो गया होगा अभी तक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्प्रिंग। ये हमारा लास्ट वीडियो है TMMC का, जितना भी समय लगेगा इसे खत्म कर देंगे आज। कुछ पॉइंट स्प्रिंग के बारे में लिख लीजिए आप लोग, स्प्रिंग इस मटेरियल का बना होता है, ये सब थोड़ा सा है, दो तीन पॉइंट लिखवाना है बस। इसके बाद आपको वर्किंग समझा के इसके बारे में डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखवा के आपका PMMC को ख़त्म कर दिया जाएगा। पहला नोट लिखिए आप लोग, इस स्प्रिंग शुड बी प्रोवाइडेड कंट्रोलिंग टॉर्क, लिख लीजिए आप लोग। दूसरा है हमारा स्प्रिंग शुड बी कंडक्टिंग मटेरियल, अभी बताऊंगा क्यों बनाना चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल। आप दूसरा नोट्स, तीसरा लिखिए पहले आप लोग, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक ही करके बताऊंगा इसके बारे में। Should be very less. तीसरा आपको लिखी, चौथा लिखिए, स्प्रिंग should be मेरा था, दिखाई दे रहा प्रॉपर ना,
मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, देखिए आप स्प्रिंग शुड बी नॉट बी फर्टिंग, ये हमारा लास्ट है पांचवा स्प्रिंग शुड बी नॉट फर्टिंग, ठीक प्रॉपर दिख रहा है, कोई अच्छा लगे किसी में भी अगर किसी लाइन में अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसमें फिर आप सुधारा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिए, पांचों पॉइंट है ये एग्जाम में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इस पर इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक करके समझते हैं स्प्रिंग, अब एक करके समझते हैं एक एक पांचों पॉइंट को। स्प्रिंग शुड बी प्रोवाइडेड कंट्रोलिंग टॉर्क, ये तो प्रीवियस में बता चुका हूँ मैं, स्प्रिंग जो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक। स्प्रिंग शुड बी कंडक्टिंग मटेरियल, स्प्रिंग जो है कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि स्प्रिंग में जो है करंट को इंजेक्ट भी कराया जाता है, क्या रहता है इंजेक्ट, अगर स्प्रिंग कंडक्टिंग मटेरियल का नहीं रहेगा तो करंट को इंजेक्ट कहाँ से कराएंगे, इसीलिए जो हमारा स्प्रिंग है कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है टेम्परेचर रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशियंट शुड बी वेरी लेस, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट पर वर्क कर रहे हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और तो उसका डेविएशन आ सकता है, उसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लीजिए किसी जैसे कि आप कोई करंट मगर ये कंडक्टिंग मटेरियल पहले से ही आपको पता है और वहीं पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो करंट कैसे जाएगा, जबकि हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, ये अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहते हैं तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर यहीं पर हमारा रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट अल्फा जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा को बढ़ा रहे हैं तो करंट कैसे ज़्यादा जा पाएगा, करंट लेस हो जाएगा तो हमारा मेजर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, टेबेशन आने लगेगा, इसीलिए हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी वेरी लेस। स्प्रिंग शुड बी मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, स्प्रिंग जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए, इसका भी एक कारण यहाँ पर ये है, अगर यही मैग्नेटिक मटेरियल का होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पीछे ज़्यादा एड ऑन होके आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी है, अगर हम वहाँ पे जीरो मान लीजिए एक पे मेजर कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक मटेरियल तो उसका भी कुछ डेविएशन आएगा, उसका भी कुछ फ्लक्स लाइंस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका भी होगा, इसमें एड ऑन आ जाएगा हमारा जो इधर आने लगेगा, हमारे मेजरमेंट इधर आने लगेगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मटेरियल को लेते हैं। स्प्रिंग शुड बी नॉट फर्टिंग, इसका भी आप लोग मैं नहीं समझिए, स्प्रिंग शुड बी नॉट फर्टिंग, जितना भी कहने का मतलब ये है जितना ये स्ट्रेस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम ऐसे में आप लिख ले होंगे तो मिटा के बताता हूँ आपको बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जैसे कि आप लोग यहाँ देखे होंगे, ये हमारा अगर है यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक यहाँ मान लीजिए आ रहा है, एक यहाँ स्प्रिंग लगा है, तो जितना ये स्ट्रेस होगा जितना फैलेगा और ये जितना इधर अंदर स्पंज होगा उतना ही ये स्पंज होना, इसको स्पंज होना है और इसको
फैलना है तभी ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक, इसीलिए हम लोग स्प्रिंग शुड बी नॉट फॉर्टिंग। ये हमारा नोट्स अगर क्लियर हो गया हो तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप समझ में आ गया होगा, प्रॉपर अच्छा समझाया हूँ। और कोई भी अगर इसमें अगर आप वापिस सुनना है तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक जितना मैं आपको दो लेक्चर में या अभी तक जितना पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को PMMC की बेस बनाया हूँ, समझने के लिए बेस बनाया हूँ कि कितना कैसे PMMC वर्क करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसकी वाइंडिंग होती है, कैसे हमारा उसका डिफ्लेक्टिंग टारगेट निकलता है, कैसे क्या कंट्रोलिंग टारगेट स्प्रिंग क्या है, इसके बारे में पूरा बताया हूँ। इसके अंदर जितना चीज लगा होता है उसके बारे में बताया हूँ जो हमारा। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ गया मार्कर, एक सेकेंड मार्कर यहाँ पे। मैं ये कह रहा था कि जो हमारा पॉइंटर होता है, पॉइंटर जो लगा होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम का शॉर्ट में देते हैं आप लोग समझ जाएंगे, एल्यूमिनियम का वेरी लाइट वेट का होता है। क्या होता है? वेरी लाइट वेट, ठीक, मतलब बहुत हल्का उसका जो होता है वो हल्का होता है, वो लाइट वेट का उसको बनाते हैं। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे, अभी इसके बारे में बताते हैं। हो गया, चलिए मैं ये कह रहा था अभी तक जितना पढ़ाया हूँ वो सब PMMC का बेस बनाया हूँ। समझने के लिए दो लेक्चर लगे हैं मुझे समझाने में, ये तीसरा लेक्चर कंप्लीट मैं कराऊंगा। जितना भी आप लोग पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में आएगा आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, या जो हेडिंग आप लोग यहाँ डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ कार्यविधि, PMMC का कार्य कैसे करता है। द मूविंग कॉइल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ फाइन वायर एंड करेंट इज पास थ्रू इट, द आयरन कोर प्रोवाइड द फ्लक्स पाथ लो रिलक्टेंस। कहने का यहाँ मतलब ये है, तो मूविंग कॉइल है वो एन नंबर ऑफ टर्न पे जो इंजीनियर डिजाइन करते हैं उस पर हमारा जो वायर जो है उस पर वाउंड रहता है, जिससे हमें करेंट जिससे हमारी करेंट पास होती है, और आयरन कोर जो लगा होता है वो प्रोवाइड करता है फ्लक्स आप लो रिलक्टेंस पे, लो रिलक्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उससे फ्लक्स जो है उतना हाई रहेगा। जितना पता है अब आप लोग उसमें ऐड करके आप समझ पाएंगे, इसी डिफिनेशन से आप पूरा समझ जाएंगे कितना छोटा, इसीलिए पूरा बेस बनाया हूँ मैं। बस इसे आप पढ़िए दो तीन बार, पूरा जितना बैक प्रीवियस पढ़ाया हूँ पूरा समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड्स अ फ्लक्स पाथ लो रिलक्टेंस, जितना लो रिलक्टेंस कम रहेगा उतना जो फ्लक्स है हमारा हाई होगा, विच करेंट स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो है मूव करेगा, कैरी जो है करंट करके प्रोड्यूस करेगा हमारा, क्या जितना करंट हमारा कैरी करेगा करंट जितना बढ़ेगा। आप पीछे मैं सब ये बता चुका हूँ, बस इसका मैं डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको डिप्लोमा के जो हमारे सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें आप लिख सकें, इसके लिए मैं ये लिखवाया हूँ। बस आप ये लिख देंगे कोई काट नहीं सकता, अपने मन से फिगर बना सकते, इतना ज़्यादा बता दिया हूँ उसके बारे में मैं, कोई यूट्यूब में इतना पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं बताया जितना मैं बताया हूँ। एक जेई लेवल का एक तरह से, तो देखिए जैसे मैं प्रीवियस बताया हूँ यहाँ पे जो कह रहा है ये द मूविंग कॉइल कैरिंग करंट आई, कह रहा है जो मूविंग कॉइल है हमारा कितना करंट को कैरी करेगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग तार टीडी जो है विक्षेपक बल आघूर्ण बढ़ेगा या उतना ही, ठीक, ये प्रोपोर्शनल होता है, यही चीज़ लिखा है। मैं पीछे आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ दो तीन बार, क्या उससे ज़्यादा बता चुका हूँ, तो आप लोग इसे नोट करेंगे और दो तीन टॉपिक बचा है उसके बाद हमारा PMMC खत्म हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नोट करिए।
हाँ ये भी याद रखें, जितना भी आगे इंस्ट्रूमेंट आएगा, चाहे वो मूविंग आयरन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, सब सिंगल स्प्रिंग पे होते हो। बस हमारे TMMC जो होता है वो डुअल स्प्रिंग पे होता है, क्योंकि इसमें करंट इंजेक्ट कराया जाता है और हमारा इससे कंट्रोल डाल लिया जाता है। और आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे हमारे, जैसे मूविंग आयरन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो सब सिंगल स्प्रिंग के होते हैं। नोट कर लिए अगर होंगे तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट फिगर लिखवा, फिगर को फाइनल फिगर जो हमारा उसे बना देते हैं, ताकि आप प्रॉपर उस तरीके से उसे आप लिख पाएंगे। इसको लिखने के बाद आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद कुछ नोट्स है उसे लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेज लिखेंगे, उसके बाद हमारा PMMC जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नोट्स हो गए, अगर ये नोट हो गया हो तो मैं रफ करूँ। जैसा कि कुछ नया चीज़ होगा इसमें, कुछ नए नए टॉपिक्स होंगे उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि जो बियरिंग है जो हमारे स्पायरल, आप वहाँ पर स्प्रिंग देख रहे हैं ऐसे दिख रहे थे, तो ये परपेंडिकुलर में दिखा रहा था क्योंकि ये 2D में दिखा रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे स्पायरल कैसा होता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ स्पायरल कैसा होता है। स्प्रिंग जो होता है हमारा स्पायरल होता है, अभी मैं ऐसे दिखा रहा था आपको, ऐसे ये जो ये बना है जो यहाँ पे वो ऐसे बना है, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा है। जो मैं अभी आगे फिगर बना रहा था वो इस प्रकार के बना रहा था, इसीलिए परपेंडिकुलर यहाँ बना रहा था। ये हमारा स्प्रिंग वही है, ये एक नई चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, और दूसरी हमारी थी ज्वेल बियरिंग जो प्रॉपर इसको सेटिंग देता है, वियर एंड टीयर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है। यह एल्यूमिनियम पॉइंटर है, ये हमारा स्केल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, और ये आयरन कोर है, ये हमारी बैटरी DC लगी हुई है, ये हमारा यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ है। ये आप लोग बना लीजिए, ये फाइनल फिगर है, पूरा समझा चुका हूँ, बताने के लिए नहीं बचा इसीलिए आप लोग कुछ बता नहीं रहा हूँ, पूरा लिख लीजिए। कुछ भी अगर नया मुझे दिखेगा तो ज़रूर आपको आगे मैं ऐड ऑन कर दूँगा उसमें, ठीक, आप लोग बनाइए। हो गया, कहाँ गिर गया मार्क यार, और हो गया वो फिगर बनाने टाइम लगेगा, बनाइए आप लोग। फिगर अगर आप लोगों का बन गया हो तो इसको रफ करके कुछ नोट्स हैं उसको लिखवाने के बाद डिसएडवांटेज बचेगा, मैं रफ कर देता हूँ और देर हो गया। चलिए लिखिए आप लोग नोट्स, नोट लिखिए आप लोग यहाँ पे नोट, पहला नोट आप लोग लिखिए, द PMMC इंस्ट्रूमेंट वर्क्स और मेजरमेंट ओनली DC क्वालिटी ऑफ करंट। पहला हेडिंग है, पहला सॉरी आपका नोट्स है, और नोट्स पहला लिख लीजिए आप लोग, दूसरा हमारा नोट्स है, RAC करंट should be pass then this K
tail will be read 0. दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ये मैं समय को बचाने के लिए थोड़ा पहले वीडियो को रोक के लिख लेता हूँ ताकि समय कम लगे, वो लॉन्ग वीडियो ना हो समय को देखते हुए। और जैसा कि आप ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जंप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि जो पॉलिटेक्निक के आप लोग एग्जाम में इसे लिख सके, नोट बना के जितना आप नोट्स बना के लिखेंगे मैं आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का तरीका बता रहा हूँ। जितना आप नोट्स बना के लिखेंगे, जितना इंग्लिश का प्रयोग करेंगे उतना आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप ऐसे ही नोट्स बना के पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखिएगा पीएमसी का, फिर उसके बाद फिगर बनाइएगा अगर पूछ देगा तो, फिर इसके बाद आप नोट्स लिखेंगे स्पेशली नोट्स का, जैसे कि दाबी हुई द पी एम सी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग मेजरमेंट ऑफ डी सी में डी सी के हमेशा कार्य करता है, आल ए सी करंट शुड बी पास, अगर ए सी करंट हम पास करते हैं तो वो जीरो लीड करता है, इट्स हैज अ लीनियर स्केल, ये लीनियर स्केल है, द पावर कंजम्पशन इज वेरी लो, पावर कंजम जो पावर कंज्यूम करता है बहुत लेस पावर कंज्यूम करता है। हमारा लास्ट है एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आर लेस, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ इसमें स्ट्रे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत कम होता है, 0.0 के समथिंग, इससे भी कम अगर हो रहा है तो अगर हमारा जो एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है इसका पी एम सी का, ये हमारा 0.55 उससे भी कम होता है, तो यहाँ पे बहुत लेस होता है, तो हमेशा जो हमारा होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमेशा वो कम ही होता है। ठीक, ये पहले आप लोग बता चुका हूँ, बताने जो दो तीन बार लगभग उससे ज़्यादा ही बता चुका हूँ, तो आप लोग इस पॉइंट को लिखिए और इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज है और यहाँ पे हमारा जो पी एम सी है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से लिखिए जिस प्रकार से मैं लिखा हूँ, जैसे कि आप पहले ऑपरेशन लिखा हूँ पी एम सी का, उसके बाद फिगर बनाया हूँ, फिगर हर पॉइंट को दर्शाइएगा, उसके बाद नोट्स लिखिएगा, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग लिखिए और इस नोट्स पहले नोट्स कीजिए, आप उसके बाद बताते हैं। समय को देखते हुए मैं पहले ही वीडियो शुरू पर लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग डिसएडवांटेज और लास्ट हमारा ये टॉपिक है और पीएमएमसी का, आप लोग पहला डिसएडवांटेज यहाँ देख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इफेक्टेड बाई सराउंडिंग टेम्परेचर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग टेम्परेचर से वो हमारा इफेक्ट करता है जिसके कारण से इरर में रीडिंग आती है। पहला हमारा डिसएडवांटेज है इसका पीएमएमसी का। दूसरा हमारा है द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड डीसी ओनली, ये एसी पे वर्क नहीं करता है, इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि हमारा एसी पे वर्क नहीं करता है। दूसरा हमारा हो गया, तीसरा क्या है, इट्स कॉस्टली कंपेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट उससे कॉस्टली होता है, उससे बहुत महंगा होता है। ठीक, इट कैन मेजर करेंट अप टू 50 mA से 100 mA तक ही वोल्टेज करता है, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज ये भी है। आप लोग डिसएडवांटेज को लिख लीजिए, एडवांटेज में आप लोग जानते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, इसको एरो स्पेस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और चलिए ठीक है, ये लास्ट था, आप लोग नोट करिए, ये अगला हमारा टॉपिक होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक, या और देखा जाएगा अगली वीडियो कौन सी आएगी, आप लोग यहाँ नोट कीजिए। चार हमारा मेजर डिसएडवांटेज है पीएमसी का, इसी क्रम में आप लोग लिखेंगे एग्जाम में जैसे मैं पहले आप बता चुका हूँ, क्योंकि अगर अच्छा अगर परसेंटेज लाना है बैक अगर वगैरह से बचना है तो आप लोग पहले ये हमारा पहला प्रिंसिपल ऑपरेशन फिगर उसकी प्रॉपर्टीज और उसके जो हमारे नोट्स हैं, फिर एडवांटेज अपने आप से निकाल लीजिए वहाँ से, इतना ज़्यादा मैं पढ़ाती हूँ एडवांटेज अपने आप से खुद से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे एडवांटेज आप वीडियोज़ को देखिए एडवांटेज को खुद ढूंढिए, कुछ कार्य अपने से भी कीजिए। अब डिसएडवांटेज मैंने आप लिखवा दिए हैं, चार है मेजर डिसएडवांटेज है ये और बहुत सारे हैं लेकिन मेजर डिसएडवांटेज एग्जाम को देखते हुए मैं लिखवाया हूँ और टाइम को भी ज़्यादा हो चुका है, वीडियो लंबी हो जाएगी,
चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग नोट अगर हो गया हो तो धन्यवाद। जय हिंद।